लाइव फनीपात के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। ये एक फॉर्मेशन बाय करने यहां पर आता इस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन, जो कि ना भाई सामने वाले ने बोला था लगभग आधे महीने में बना के दे दूंगा, इसको एक घंटे में चाहिए था। वो कहता मजा कि क्या बाहर निकालो, तो बॉडी गार्ड था वो भी सामने से था लियू के मास्टर जी जांग जी, चलिए बाहर भाई बाहर चलिए बाहर चलिए। तो सामने से लियू का मास्टर कहते कह रहे अरे मेरे दोस्त भाई रुक जा, अरे क्या आई नो भाई इनको फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन ये 5 स्टार के अप्राइजर मास्टर है। तो सामने से उसका दोस्त जाते हो कहते क्या 5 स्टार का प्रेजर मास्टर है। मनीमन सोचते मुझे लगा भाई ये मेरे दोस्त का फायदा उठा के यहाँ पर आया है नेपोटिज्म लेके, लेकिन ये तो 5 स्टार का प्रेजर मास्टर निकल गया। कहता सॉरी सॉरी मिस्टर जंग हमको मालूम नहीं था, हमको माफ कर दो। जंग भी सोचता भाई इसने तो फटाक से बस वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस एरिया में जो प्रेजर मास्टर नाम और नोटे टीचर से भी ज्यादा शायद फेमस होता होगा। ये भी कहता डोंट वरी यार सामने से आपने बोला कि भाई एक घंटे के अंदर अरेंज यहाँ पे नहीं होता, उसको अरेंज करने के लिए भाई मैप होता फॉर्मेशन मैप प्लस फॉर्मेशन फ्लैग होता है और उसको लगाने का तरीका होता है, वो जो कुछ ना आप हमको यहाँ पे दे दो। जो सुन दो वो कहता है कि देखो देने के लिए हमारे पास यहाँ पर है हम यहाँ पे दे देंगे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है भाई जो आपको इतने कम टाइम के अंदर लगा के दे सकता है, तो आप लेके क्या करोगे। वो कहते बस तुम हमको बेच दो यार, वो हम कर लेंगे कैसे भी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से वो कहता है कि वेल जिस हिसाब से कह रहे हो जैसे कि आप खुद लेके खुद यहाँ पे लगा लोगे यार, खुद लगा पाना समझो भाई काफ़ी दिक्कत है आपको, फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पे नहीं हो, मैं बेचने को बेच दूंगा लेकिन भाई अनऑफिशियल जो कि फॉर्मेशन मास्टर नहीं है उसको बेचने यहाँ पे इलीगल है। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, लगा के यहाँ पे साबित कर दिया कि आप लगा सकते हो फॉर्मेशन, तो आप है ना 1 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर भी बन जाओगे और सामने सभी आपको हम यहाँ पे दे भी देंगे। जो सुनते जंग के दस सच्ची में हो जाएगा वो कहता भी ऐसे हो जाएगा। तो ल्यू का मास्टर भी चौंक जाते कह रहे हैं जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे ना ऐसा लगता है ये फॉर्मेशन मास्टर भी है। सामने से जंग फिर अपना आँख बंद कर लेता और कहता है वेट अ सेकंड बस कुछ समय यहाँ पे इंतजार कर लो। वो भी कहते इंतजार कर लो, अब किस लिए इंतजार करे, और ये आँख बंद करके खड़े कह के हो गए। लियू को मास्टर कहता भाई जो सामान होता है ना फॉर्मेशन बनाने का फॉर्मेशन फ्लैग वगैरह वो यहाँ पे तुम प्रिपेयर कर लो। सामने से उसका दोस्त कहता सच्ची में यार हो जाएगा यार, ये करना क्या चाहते। वो कहता हो जाएगा डोरे तुझ से कर दो ले। लियू का मास्टर को ऐसा लगता है शायद भाई ये खड़े खड़े यहाँ पे अभी अभी ज्ञान ले रहे हैं यार, मैंने इनको देखा भी इनको ज्ञान नहीं रहता किसी चीज़ का, लेकिन जैसे उसके पास जाते ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाता है। अगर वाकई में इनको फॉर्मेशन का ज्ञान चाहिए लाइब्रेरी में जाओ उसका बुक यहाँ पे पढ़ो, खड़े खड़े कौन सा ज्ञान मिलता है। ये खड़े खड़े लाइब्रेरी फिलीपात में अपना गया था क्योंकि इसने बहुत पहले ना ढेर सारे बुक्स यहाँ पे कलेक्ट किए थे जिसमें फॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन क्या ना मुझे कभी काम यहाँ पर आया ही नहीं था तो मैंने कभी रीड ही नहीं किया था, तो फाइनली रीड कर लेता हूँ। तो जो काम की बुक थी ना यहाँ पे छू लेता तो सारा नॉलेज दिमाग में आ जाता है, होश में आता हूँ कहता है सारा सामान यहाँ पे तैयार हो गया ना, हाँ तो लाओ। वो फ्लैग निकाल के यहाँ पे दे देता है, तो जंग भी आराम से फ्लैग लेके तैयार था। वो मनी मनो सोचता है बंदा अरे इसका दोस्त लियू का मास्टर का दोस्त की फॉर्मेशन बनाने के लिए लगाने के लिए बेसिकली तुमको जगह भी देखना पड़ेगा कौन सा इन्वायरमेंट यहाँ पर है कौन सा पोजीशन यहाँ पे ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेजरमेंट करना पड़ता है और ऑब्जर्वेशन आसपास करना पड़ता है। इसने कुछ भी नहीं किया तो आई डोंट नो ये सच्ची में लगा पाएगा या खाली मजाक कर रहा है। तो माइंड टू माइंड है ना लियू के मास्टर से कहता मेरे दोस्त क्या सच्ची में भाई ये बंदा कर लेगा। वो कहता है या मेरा दोस्त है भाई मैं जानता हूँ कर लेगा मनी मन, लेकिन लियू के मास्टर को भरोसा नहीं है कि यार कुछ ही दिन पहले मिला था इसने जो काम यहाँ पे किया वो काम सुन के और देख के तो मेरी फड़ के चार हो गई, लेकिन यार सच्ची में फॉर्मेशन का काम हो जाएगा इससे। और तो उसका दोस्त माइंड टू माइंड रिप्लाई यहाँ पे देता है कि देख भाई आई फकिंग डोंट केयर 5 स्टार का प्रेजर मास्टर है या नहीं है, लेकिन इसने कुछ गड़बड़ यहाँ पे किया और नौटंकी गिरी किया ना, इसको तुझे लेके जाना पड़ेगा और कभी इसको लाना मत। उसका दोस्त कहता है लियू का मास्टर के यहाँ भी हो जाएगा, उतने में अपने जंग ने फॉर्मेशन यहाँ पे लगा दिया था और कहता है कि ये देखो भाई तुम तो कह रहे थे तुमको 15 से 16 दिन का टाइम लग जाएगा लगाने में, मैंने कुछ ही मिनट में कर दिया। हाँ तो लियू का मास्टर भी कहता है ये फॉर्मेशन है स्पीड गैदरिंग वाला हमको तो लग नहीं रहा। उसको दोस्त को और भी गुस्सा था कि देख लिया भाई यही नौटंकी गिरी था इसका, इसलिए भाई आपने इसको ले नहीं रहा था, क्या इसने किया भाई टट्टी इसने कर दिया। अपने नौकर से कहता नौकर भी जा उसको समझा, तो वो जाता है जंग के पास और कहता भाई तू क्या कर रही हो यार ये क्या कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, कहां से फॉर्मेशन लग रहा है भाई, तूने फ्लैग कहीं पे लाया तूने क्या कहीं कुछ यहां पे लगाया है, एनर्जी यहां पे गैदर हो ही नहीं रहा ना कुछ हो ही नहीं रहा, ये वेस्ट यहां पर है फालतू है। जंग कहता फालतू है क्यों फालतू है, ये कहता भाई तूने कौन सा फॉर्मेशन लगाया, स्पीड गैदरिंग और ना आई मीन स्पीड गैदरिंग फॉर्मेशन लगाना इसकी एक खासियत होती है जो आसपास की स्पीच एनर्जी है ना उसको कलेक्ट करके सेम एरिया में लेके आ जाती ताकि बंदों का फायदा यहाँ पर हो कल्टीवेशन में, लेकिन कहाँ एनर्जी आ रही है भाई कुछ तो यहाँ पर नहीं हुआ तो वेस्ट यहाँ पर है ना। सामने से ना उसका दोस्त भी कहता है भाई बहुत आपने नोटंकी कर लिया, आप मेरे दोस्त के भाई दोस्त हो ना जी चक्कर में इज्जत करके बोल रहा हूँ कि दफा हो जाइए नोटंकी मत कीजिए। एक अदर नोटंकी या मैंने क्या नोटंकी किया, वो कहता भाई नोटंकी नहीं तो क्या किया जा रहा भाई, एक तो आते हो झूठ झूठ बोलते भाई फॉर्मेशन बना लेंगे कर लेंगे बनाने को देते तो कुछ भी यहाँ पे तुमसे बनते नहीं है। जंग
कहता भाई किसने बोला नहीं बना, अरे बन गया, मैंने बस फॉर्मेशन की पावर एक्टिवेट नहीं की, अगर मैं एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता ना आप सबके फड़के चलो जाते। ये देखिए भाई एक्टिवेट कर देता है, जैसे एक्टिवेट करता है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का फॉर्मेशन तैयार हुआ था, दम सीधा आ रहा आता है, इनको लगता है लोग भी हिल जाते हैं, मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे, जो दोस्त यहाँ पे था ना तो और चौंक जाता है, वो सामने से कहता है अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, ये तो एकदम फ्लोलेस एरे बन गया। तो उसका जो दोस्त यहाँ पे था अपने ल्यू का मास्टर, वो कहता है कि वेल यार इसका क्या मतलब हुआ, वो समझाता देखो जो फॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं वो हमेशा एक्यूरेट 80% मैक्स टू मैक्स जाते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे जा ही नहीं पाता, और 80% चला गया समझो एकदम बवाल यहाँ पर हो गया, एकदम बवाल ही ज़्यादा यहाँ पर हो गया है। जो सुनते ल्यू का मास्टर कहता बाय चांस मान लो 100 चला गया, तो ये कहता 100 चला गया, देखो सामने से जो बना है ना भाई ये 100% एक्यूरेट यहाँ पर है, और इसके लिए इसको फ्लोलेस एरे यहाँ पे कहा जाता है, समझो एकदम है ना इन्वायरमेंट के साथ इन्हें कनेक्ट यहाँ पे हो चुका है, लगेगा नहीं कि भाई तुम किसी आर्टिफिशियल फॉर्मेशन के अंदर में हो। और जो 7 स्टार के फॉर्मेशन मास्टर होते ना वही खाली ऐसा कर सकते हो, या उसके ऊपर वाले जो सुनते ल्यू का मास्टर भी जाता क्या 7 स्टार, सामने से जांग कहते देखा साबित हो गया ना, तो बताओ भाई सामने से अब तुम मुझे झंडा वो पूरा ज्ञान दोगे या नहीं दोगे। वो सामने से कहता है कि मन ही मन सोचते कि भाई इन्होंने इतना हार्ड बना दिया भाई कि अब हम बोलते कौन है भाई, इनको मना करने वाले, सामने से पूछता हाँ लेकिन भाई अपना लेवल बताओगे अब कौन से स्टार का फॉर्मेशन मास्टर हो। ये कहता भाई कौन से स्टार का, मैंने अभी तक टेस्ट ही नहीं दिया सर, भाई मैं 1 भी स्टार का नहीं हूँ। ये चौक जाता भाई इसने इतना कमाल का बना दिया है और कहता 1 भी स्टार का नहीं है। तो सामने से सजेस्ट यहाँ पे करते कि काम करते जो फॉर्मेशन गिल्ड लेना वहाँ पे आइए टेस्ट यहाँ पे दीजिए और फॉर्मेशन मास्टर बन जाइए। ये देख अभी के लिए अगर आपको डायग्राम और पूरा फ्लैग यहाँ पे चाहिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर फॉर्मेशन मास्टर बनो बना आपको फ्री में मिल जाएगा, सॉन्ग जैसे नाम सुनते भाई फ्री में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे तैयारी बोलो भाई कहाँ कैसे कब मुझे यहाँ पे करना है, कैसा टेस्ट यहाँ पे देना। जो सुनते ये कहते देखो जो हमारा टेस्ट होता है ना फॉर्मेशन मास्टर वालों का, वो नोटे टीचर हो जाए या फिर दूसरा जो सभी काम हो जाए ना उससे थोड़ा सा अलग है, बताने से समझ नहीं आएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा ही देता हूं, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।